दोस्तों दीवान हाउसिंग फाइनेंशियल के एक्स प्रमोटर कपिल वाधवा ने एक निचले अदालत में अंतरिम आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। इस आदेश में कंपनी के लेंडर को वाधवन की ओर से दिए गए सेटलमेंट ऑफर पर विचार नहीं करने की छूट दी गई थी। वाधवन की ओर से दायर याचिका में NCLT के अंतरिम आदेश को चुनौती दी गई है। इसमें NCLT के उस आदेश पर रोक लगाई गई थी जिसमें लेंडर को कपिल वाधवन की ओर से दिए गए लगभग 91,000 करोड़ रुपए के सेटलमेंट ऑफर पर विचार करने के लिए कहा गया था। NCLT ने पिछले महीने अंतरिम आदेश में कहा था कि हमें नहीं पता कि दूसरे सेटलमेंट ऑफर पर एडमिनिस्ट्रेशन और COC यानी कमिटी ऑफ क्रिएटर से जल्दबाजी में विचार करने को क्यों कहा गया है। दोस्तों रेगुलेशन के तहत एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट जारी होने के बाद इसके लिए कारण होना चाहिए। ये मामला ऐसी जगह पर पहुंच गया है जहां रिजोल्यूशन प्लान को अप्रूवल दिया जा चुका है और ये फैसला करने वाले अथॉरिटी के सामने है। इसके साथ ही NCLAT और NCLT के उस आदेश को खारिज कर दिया गया था जिसमें लेंडर से सेटलमेंट ऑफर पर 10 दिन के अंदर विचार करने को कहा गया था। वाधवा ने NCLT में दलील दी थी कि ये ऑफर इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोर्ट के तहत मामला वापस लेने के आवेदन से पहले का कदम है। हालांकि उनके ये दावे को एडमिनिस्ट्रेशन और DHFL के लेंडर्स ने ये गलत बताया था। लेंडर की ओर से पहले ही DHFL को एक फ्रॉड अकाउंट घोषित किया जा चुका है और इस वजह से कपिल वाधवन कोई रिजोल्यूशन प्लान जमा करने के लिए पात्र नहीं है। तो दोस्तों अब देखने वाली बात ये होगी कि वाधवन ने जो सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है उसे एक्सेप्ट किया जाता है या फिर नहीं। तो दोस्तों ये थे कुछ अपडेट DHFL कंपनी को लेकर। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।